गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एबीसी इलेक्ट्रिकल में। तो आज का टॉपिक है हमारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के अंदर क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं, तो इसी के ऊपर आज बात करेंगे। तो VFD ड्राइव के अंदर क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, इसके बारे में पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। VFD ड्राइव के अंदर एक PCB बोर्ड लगा हुआ है। PCB का फुल फॉर्म बता देता हूं, पावर कंट्रोल बोर्ड होता है। इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं, तो मैं सभी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का नाम बताऊँगा और दिखाऊँगा, और उसका क्या वर्क होगा सभी बताऊँगा। ये IGBT है। IGBT का फुल फॉर्म होता है इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये क्यों लगाते हैं इसको वीडियो क्लास्ट में बताएंगे। ये PCB बोर्ड का बैक साइड का मैं दिखा रहा हूँ। इसमें रजिस्टर, रेजिस्टेंस, डायोड सभी लगे होते हैं, और ड्राइव में इनपुट आउटपुट टर्मिनल है, इथरनेट का कनेक्टर भी है। सभी को बताएंगे क्यों लगाते हैं, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। अभी देखिए मैं आपको कैपेसिटर दिखाता हूँ। 400 वोल्ट और 1000 माइक्रोफेराड का एक कैपेसिटर एक है। ऐसे 6 लगे हुए हैं और छोटे छोटे बहुत सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। तो मैं सबसे पहले सभी कंपोनेंट्स को आपको दिखा देता हूँ। ये सब कैपेसिटर है। इसके बाद जो भी PCB बोर्ड पर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे होते हैं सबका दिखाकर आपको नाम बताता हूँ। ये देखिए कैपेसिटर है, ये छोटे छोटे भी कैपेसिटर लगे हुए हैं। ये ब्लू वाला रिले है, ये रेड वाला कैपेसिटर है। बहुत टाइप्स के डिफरेंट टाइप के कैपेसिटर यूज किया है इसमें, मैं सबको दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए एक यहाँ पे भी कैपेसिटर C11 लिखा हुआ है, और रजिस्टर भी वहीं पे R2 लिखा था। देखिए R2 लिखा हुआ है रजिस्टर। ये फिर कैपेसिटर रजिस्टर बहुत सारे लगाए हैं इसमें। इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ, इसमें IC भी लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं IC भी लगा हुआ है इसमें। इसके बाद और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट लगे। ये देखिए इंडक्टिव कॉयल है, इसे इंडक्टिव कॉयल बोलते हैं। इसके बाद और इनपुट आउटपुट इसमें टर्मिनल है, उसको भी दिखाएंगे। ये देखिए कंट्रोल ट्रांसफार्मर इसमें लगाया हुआ है। कंट्रोल ट्रांसफार्मर का क्या यूज होता है पावर कंट्रोल बोर्ड में, उसको भी बताएंगे। ये रिले है वाइट वाला, इसमें रिले का वर्क क्या होता है ये भी बताएंगे, और क्यों लगाते हैं सब एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। VFD ड्राइव के अंदर मैं 10 इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट का नाम बता देता हूँ। रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर, रिले, IC, IGBT, इंडक्टिव कॉयल, इनपुट आउटपुट कॉन्टेक्ट यूज किया होता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3-फेज पावर इनपुट के लिए यूज करेंगे, और 24 वोल्ट DC का लिंक है। इसके बाद इथरनेट कनेक्टर है, कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं इथरनेट का। ये आउटपुट के लिए कॉन्टेक्ट है, 3-फेस आउटपुट देगा जो डायरेक्ट मोटर को कनेक्ट होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिए। इसके बाद हम आपको IGBT दिखाते हैं, IGBT का वर्क भी बताएंगे। तो IGBT हमारा ये देखिए जल चुका है। IGBT का वर्क होता है, जैसे हम ड्राइव में 3-फेस AC पावर कनेक्ट करते हैं तो रेक्टिफायर सर्किट से DC करंट में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद DC करंट से हमको AC करंट चाहिए, तो उसके लिए हम IGBT का यूज करते हैं। IGBT का वर्क होता है DC करंट को AC करंट में कन्वर्ट करने के लिए, तो हम IGBT का यूज करके AC करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये आउटपुट का कॉन्टैक्ट है, इसमें डायरेक्ट मोटर का वायर कनेक्ट कर देंगे, और ब्रेकिंग रजिस्टर के लिए है। ब्रेकिंग रजिस्टर पे अलग से वीडियो बना देंगे, कमेंट में बताइए। ये
इथरनेट कनेक्टर है, ये डिस्प्ले है और ये चार इसका बटन है। इसके बाद ये देखिए कूलिंग फैन है, रेगुलर हमारा ड्राइव वर्किंग में रहता है तो हीट होता है, तो ड्राइव में फैन कूलिंग के लिए यूज करते हैं। इसके बाद आपको हम दिखा देते हैं इधर इनपुट के लिए, थ्री फेज का पावर कनेक्ट करेंगे, डीसी लिंक भी मिलेगा आपको। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।